हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉम बेस्ड। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपने कंप्यूटर हार्ड डिस्क को लैपटॉप के साथ कैसे कनेक्ट करें। तो आप सबके दिमाग में एक प्रश्न होगा, एक क्वेश्चन होगा, क्या हम अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं? तो मेरा जवाब है जी हाँ, आप अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं और उसे एज ए एक्सटर्नल डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा एक हार्ड डिस्क है, कंप्यूटर हार्ड डिस्क सीगेट का, और ये करीब 2 TB का हार्ड डिस्क है और हमको इसको अपने लैपटॉप में कनेक्ट करना है। तो आप सब जानते हैं कि SSD ड्राइव्स आते हैं जो कि बहुत महंगे होते हैं, तो ये जो हार्ड डिस्क हैं थोड़ा उससे सस्ते होते हैं। और ये कंप्यूटर हार्ड डिस्क है, जो हमारे लैपटॉप में हार्ड डिस्क यूज़ होते हैं वो 2.5 होते हैं, यानी वो साइज़ में भी इससे छोटे होते हैं और पावर वो लेते हैं 5 वोल्ट, जबकि कंप्यूटर सिस्टम वाले जो हार्ड डिस्क लगते हैं वो 3.5 होते हैं और इन्हें 12 वोल्ट की पावर देनी पड़ती है। तो देखिए, अगर आप सिंपल, मैं आपको कुछ तरीका बताऊँगा कि इसको आप अपने लैपटॉप से कनेक्ट कैसे करें। उसके लिए जो हमें डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है वो है हमारा ये USB टू SATA। ये एक हिसाब से कन्वर्टर है, या आप कह सकते हैं अडेप्टर है, जो हमें अपने हार्ड डिस्क, कंप्यूटर हार्ड डिस्क को लैपटॉप से कनेक्ट करने में मदद करता है। तो देख सकते हैं आप, ये एक छोटा सा हमारे पास अडेप्टर है, क्योंकि ये 3.5 के लिए है। तो आप देख सकते हैं यहाँ कने एक इनपुट दिया हुआ है, ये जो है इनपुट हमारा, यहाँ कने हम इसमें 12 वोल्ट की पावर सप्लाई करते हैं। किसके लिए? 3.5 हार्ड डिस्क के लिए, यानी जो कंप्यूटर सिस्टम है उसकी हार्ड डिस्क के लिए। अगर आप 2.5 वाली हार्ड डिस्क लेते हैं, यानी जो लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगती है जैसा कि आपके इमेज के ऊपर शो हो रहा है, और SSD अगर आप लगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पावर देने की ज़रूरत नहीं है, आप इससे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं और ये जो USB है आप अपने लैपटॉप में इसको एंटर कर सकते हैं। तो आप सीधा यहाँ देख सकते हैं हमारा एक ये कंप्यूटर हार्ड डिस्क है, इसमें हम अब इसको कनेक्ट करेंगे। ये देखिए, ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब दूसरा आपको क्या करना है, ये 3.5 है यानी कंप्यूटर हार्ड डिस्क है, तो इसको एक्सटर्नली हमें 12 वोल्ट पावर सप्लाई करनी है, जिसके लिए ये यहाँ कने आपको एक इनपुट दिया हुआ है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि जो एक 12 वोल्ट का अडेप्टर होता है, जो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आउटपुट कितना देता है, 12 वोल्ट की आउटपुट देता है, तो इस अडेप्टर को हम इसमें इनपुट कर लेंगे। ये हमने यहाँ कर दिया। अब इस अडेप्टर को अब हम पावर से कनेक्ट कर देते हैं। देखिए, अब हमने अपना पावर कनेक्ट कर लिया है। तो जैसे ही आप इसको पावर को कनेक्ट करेंगे, आपको क्या करना है, जो आपका USB कनेक्टर दिख रहा है इसको आपको अपने लैपटॉप के USB पोर्ट में एंटर कर देना है। तो जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे, आप इस हार्ड डिस्क को छूकर महसूस कर सकते हैं कि ये जो है यहाँ कने रनिंग होना चालू हो जाता है, और ये जो हमारा कन्वर्टर है, यहाँ एक लाइट भी शो हो रही है, इसका मतलब ये ऑन हो चुका है। तो अभी हमने यहाँ अपना हार्ड डिस्क देखिए अडेप्टर के ज़रिए कनेक्ट कर दिया है, इसको 12 वोल्ट की पावर दी है, इसलिए दी है क्योंकि 3.5 है यानी ये कंप्यूटर सिस्टम हार्ड डिस्क है। अगर ये 2.5 होता, यानी ये इससे थोड़ा कंपेरेटली छोटा हार्ड डिस्क होता या SSD होता, तो हमको ये एक्सटर्नल पावर देने की ज़रूरत नहीं है। ये अडेप्टर आपका डायरेक्ट जो है, आप यहाँ उसको हार्ड डिस्क में कनेक्ट करेंगे और वहाँ USB पोर्ट में आप उसको एंटर करेंगे तो आपके में लैपटॉप में ये शो हो जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं, हमने यहाँ अभी अपना ये अडेप्टर के ज़रिए इसको कनेक्ट कर दिया है। अब मैं आपको अपने लैपटॉप में दिखाता हूँ कि हमारा हार्ड डिस्क जो है वो शो कहाँ हो रहा है। आप देख सकते हैं ये जो हमारा हार्ड डिस्क है, ये अभी हमारा यहाँ शो हो रहा है, 1.81 TB का ये हार्ड डिस्क शो हो रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे ही हमने कोई हार्ड ड्राइव को अपने लैपटॉप में एंटर किया, जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ मैंने अभी अपना हार्ड डिस्क जो है वो कनेक्ट कर दिया है अडेप्टर के ज़रिए। अब हम यहाँ देखेंगे
हमारे दिस पीसी में देखिए हमारा कोई यहाँ हार्ड डिस्क शो नहीं हो रहा है। तो जब ऐसा हो कि आपने कनेक्ट कर दिया है और आपका यहाँ हार्ड डिस्क शो नहीं हो रहा है, तो तब आपको क्या करना है, ये दिस पीसी में जाना है आपको और यहाँ शो मोर ऑप्शंस, इसमें जाने के बाद आपको क्या करना है, ये मैनेज देख रहे हैं, मैनेज के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही मैनेज क्लिक करेंगे, ये डिस्क मैनेजमेंट, तो आपको डिस्क मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही डिस्क मैनेजमेंट क्लिक होगा तो आप देख सकते हैं अगर आपका एडेप्टर सही वर्क कर रहा है और अगर आपकी SSD अच्छी है तो आपको यहाँ जो है ये शो हो जाएगा। ये डिस्क ज़ीरो जो है ये हमारा कंप्यूटर जो अभी लैपटॉप है, लैपटॉप सिस्टम का हार्ड ड्राइव है जो SSD इसमें लगी हुई है, और ये जो है डिस्क वन आप देख सकते हैं ये अनअलोकेटेड है, और ये जो है हमारी 2 TB की वही हार्ड डिस्क है जो मैंने कनेक्ट की है, अब ये शो वहाँ नहीं हो रही। तो जब ऐसी प्रॉब्लम आए, अगर हम चाहते हैं कि हमारा हार्ड डिस्क शो हो वर्क करे, तो हम इसको न्यू सिंपल वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। तो इसी तरह न्यू सिंपल में कन्वर्ट करें, नेक्स्ट पर क्लिक करें, नेक्स्ट पर क्लिक करें, और यहाँ आप इसको कोई सा साइन लेटर कर सकते हैं और इसको नेक्स्ट करें। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप फॉर्मेट ना करना चाहें तो आप यहाँ डू नॉट फॉर्मेट दिस वॉल्यूम के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इसको फॉर्मेट करना है तो आप अगर फ्रेश आपका जो है हार्ड डिस्क है तो आप इसको फॉर्मेट के साथ नेक्स्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ट्राई करता हूँ डू नॉट फॉर्मेट दिस वॉल्यूम, अब हम इसके ऊपर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसको हम फिनिश करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ फिनिश करेंगे देख सकते हैं हमारा जो ये एफ है ये जो अनएलोकेटेड था, अब इसमें यहाँ ड्राइव के ऊपर नेम आ गया, ये आपका डिस्क वन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है। तो यहाँ हमारा जो है एफ यहाँ शो हो रहा है, लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि आपको फॉर्मेट करना ज़रूरी है, तो हम यहाँ इसको फॉर्मेट डिस्क कर देंगे। तो जैसे ही एक बार ये फॉर्मेट हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ जो हमारा एफ जो हार्ड डिस्क है वो हमारा शो हो रहा है। तो गाइस कहना मैं ये चाहता हूँ कि आपके अगर हार्ड डिस्क फ्रेश नहीं है और उसमें इम्पॉर्टेंट डेटा है तो आप उसको कॉपी करें दूसरे किसी हार्ड ड्राइव में, और उसके बाद आप अपने लैपटॉप में इसको कनेक्ट करें। हो सकता है कि डिवाइस जो है जब हम हार्ड डिस्क पहले से लगी हुई है और दोबारा कोई हार्ड डिस्क हम उसके सिस्टम में एंटर करते हैं तो वो उसको रीड नहीं कर पाता, उसके लिए कोई लोकेशन सेट नहीं होती। तो जैसे ही हम उसको सिंपल न्यू सिंपल वॉल्यूम में सेट करते हैं तो वो फिर आपको बोलता है कि फॉर्मेट करें, फॉर्मेट करने के बाद ही आपका जो ड्राइव है वो ओपन होगा। तो आप फ्रेश एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव कनेक्ट करें या ऐसा हार्ड ड्राइव कनेक्ट करें जिसमें आपका कोई इंपॉर्टेंट डेटा पहले से मौजूद ना हो, लेकिन जब एक बार आपका ये वॉल्यूम बन गया, आपका नेमिंग वहाँ हो गया, लोकेशन आपने असाइन कर दिया, तो उसके बाद आपको ये बार बार दिक्कत नहीं आएगी, आपका जो डायरेक्ट ड्राइव है वो आपके सिस्टम से कनेक्ट हो सकता है। और जिस हार्ड ड्राइव में अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि आपने अपने CPU से कोई हार्ड ड्राइव निकाला और उसको आपने डायरेक्ट एंटर कर दिया, तो ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, आपका होल ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी आप देख सकते हैं एक बार मैंने इसका लोकेशन असाइन कर दिया, अब ये शो भी हो रहा है स्क्रीन पे। तो गाइज हम इजीली अपने कंप्यूटर सिस्टम के हार्ड डिस्क को लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thank you for watching.